तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक मंत्री पे। एंड आज का आपने थंबनेल देख लिया हो कि ये हम लोगों का वीडियो शेयर काफ़ी होने वाला है और जिसमें कि आपको 400 पर रेफरल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको इसका टर्म एंड कंडीशन बताऊँगा एंड सेकेंड में यहाँ पर हम लोग अकाउंट ओपनिंग देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं कि क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको 400 मिलेगा और इसमें आपको ट्रेड रिक्वायर्ड है, मतलब अपना अकाउंट एक्टिव कर लेना तभी किसी को रेफर करना सबसे पहले। और आपका अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। वहाँ से सबसे पहले तो अपना अकाउंट ओपन कर लो, देन उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्रेड प्लेस करना पड़ता है। ट्रेड अमाउंट यहाँ पे कोई मेंशन नहीं, आप छोटा से छोटा ट्रेड कर सकते हो, जैसे आप ICICI डायरेक्ट में करते हो, यानी यहाँ पे यस बैंक का केवल बाई सेल कर लेते हो तो हो जाएगा। ट्रेड के लिए आपको कोई यहाँ पर इशू नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रेड वाला वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऐड फंड करके और लाइव ट्रेड भी किया है और बाई सेल भी किया है, जो आप देखकर बाई सेल वैसे ही कर सकते हो। अब चलिए इसका टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन में कुछ नहीं है, आप यहाँ पे रेफरल लिमिट भी कोई नहीं है, यानी आप जितना चाहो एक मंथ में रेफर डाल सकते हो। और सेकेंड यहाँ पर ट्रेड वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एक छोटा सा ट्रेड करना रहता है। हाँ, और एक बात यहाँ पर कि जो आपका पेमेंट होगा वो जून में, ये वीडियो मैं जून में बना रहा हूँ, तो जून में जितना अकाउंट आपका ओपन होगा उसका पेमेंट आपको जुलाई में मिल जाएगा। और ये ऑफ़र टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 400 का हो, और आप कोई फ्यूचर में मेरा वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम हो सकता है ऑफ़र चेंज हुआ। तो उसके लिए आपको सिंपली शेयर खा यहाँ पर रेफर एंड अर्न सर्च कर लेना है क्रोम पर जाकर, और सेकेंड वाला ऑप्शन ही ऊपर ही आ जाएगा यहाँ पर शेयर खा रेफरल करके, जो करेंट ऑफ़र चल रहा होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इस टाइम 400 का चल रहा है, और जो ये आपका पेमेंट है इस मंथ जून में जितना ओपन करोगे जुलाई को 10 तक चला जाएगा, यदि आपने जितने को रेफर किया उनसे ट्रेड प्लेस करवाया यानी उनको एक्टिव कर लिया है तब। तो चलिए ये तो टर्म एंड कंडीशन हो गया, इसके अलावा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई रेफरल लिमिट नहीं है, छोटा सा ट्रेड है करना है बस। और ट्रेड वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर से यदि आपका अकाउंट नहीं है शेरखा में तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, देन अपना अकाउंट एक्टिव करना है छोटा सा ट्रेड प्लेस करके, वो वीडियो वॉच करके आप ट्रेड कर सकते हो। और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन एक्टिव हो जाए तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको अपना रेफरल लिंक कैसे जनरेट करना है। चलिए अब सबसे पहले तो इसमें अकाउंट ओपनिंग वाला प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पर अकाउंट ओपनिंग लिंक पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेगा और रीडायरेक्ट कर देगा आपको अकाउंट ओपनिंग साइट पर, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। वो जैसे ही फिलअप करिएगा देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आएगा आपको। दोस्तों नेक्स्ट में आपको पैन एंड बैंक डिटेल्स फिलअप करने के लिए आएगा, तो सिंपली आपको ऊपर पैन और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, देन आपको यहाँ पे IFC बैंक अकाउंट नंबर डालकर आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करिएगा नेक्स्ट प्रोसेस में डिजी लॉकर का आता है कि यहाँ पर स्टार्ट करना है। अदर का जैसे डीमेट ओपन होता है यहाँ पर भी दोस्तों डीमेट वैसे ही ओपन होगा, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर अलग ओपन होगा। यहाँ पर डिजी लॉकर में आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन नेक्स्ट करेगा तो रजिस्टर आधार पे OTP जाता है वो फिलअप करना है, यानी जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो उस पर OTP जाएगा तो कंटिन्यू कर देना वो फिलअप करके। जैसे ही कंटिन्यू करिएगा यहाँ पे अलाउ का पूछेगा तो आपको अलाउ कर देना है, और जैसे ही अलाउ करेगा इसके बाद आपको यहाँ पर लाइव सेल्फी और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। ये याद रखिएगा सेल्फी आपका लाइव लगेगा, तो चलिए यहाँ पर सिग्नेचर मैं अपलोड कर देता हूँ, ये मैंने गैलरी से लिया, और टेक सेल्फी पे क्लिक करके अपने यहाँ पे सेल्फी वाला भी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स का भी आपको दिख रहा है, उसे ऑप्शनल है, वो फिलअप नहीं करना है आपको, इनकम प्रूफ नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में पूछ रहा है कि आपका जेंडर पूछेगा, और यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह का एक्सपीरियंस पूछेगा कि आप कितने साल से कर रहे हो, यहाँ पर आप स्टूडेंट हो या क्या हो वो फिलअप करना है, और देन आप यहाँ इनकम और अदर डिटेल्स में इनकम वगैरह फिलअप कर देना है। चलिए ये फिलअप कर देते हैं लाइव, और सोर्स ऑफ इनकम में अदर कर देते हैं, और प्लेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपका वो आप यहाँ पे इंटर कर देना, देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप में जाइएगा तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स पूछ रहा था तो मैंने वो नहीं फिलअप किया, और यहाँ पर आप मैंने ईमेल वेरीफाई नहीं किया था देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर चलिए ईमेल पर OTP क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मेरा ईमेल पे OTP चला गया है, वो फिलअप करके आपको सिंपली ई साइन कर देना है, और ये सारा प्रोसेस आपका केवल 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया आपने देखा। और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका जो रजिस्टर
ईमेल है उस पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको इस साइन के लिए आपको आधार नंबर डालना है अपना, देन उस पर ओटीपी जाएगा, वो फिलअप कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए आप फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं और ये देखिए मेरा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। और इस तरह हम लोगों का सारा ओपनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। और आपने देखा कि बैंक सबसे पहले तो पैन और बैंक डिटेल्स और कुछ पर्सनल डिटेल्स, और उसके बाद आपको ई साइन करना रहता है सेल्फी और सिग्नेचर अपलोड के बाद। और देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपका कुछ ही घंटों में भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस डन हो जाता है तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरे केस में वैसा ही हुआ और देख सकते हो ये मेरा ईमेल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेरखा का यहाँ पे फुल डिटेल्स आया हुआ है कि आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए शो किया है कि मैंने वो चेंज कर लिया, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो, आपको भी ऐसा ही मेल आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, अपना शेरखा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में और वहाँ पर अपना लॉगिन कर लेना है। चलिए आपको मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ लाइव आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आपके ईमेल पे मैंने बताया था पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ जाएगा। तो देन आपको शेरखा वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है यहाँ से प्ले स्टोर से। और चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपना शेरखान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और मैं आपको ऐप में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड के बाद दोस्तों ओपन करेगा तो देखिए क्या इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपका लॉगिन आईडी ऊपर ही मेंशन किया गया था, कस्टमर आईडी और लॉगिन आईडी करके। और देन यहाँ पे वहाँ पे दो पासवर्ड था, एक मेंबरशिप वाला पासवर्ड था, एक ट्रेडिंग वाला। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको मेंबरशिप वाला पासवर्ड डालना है। तो वो लिखेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड है, आप न्यू पासवर्ड जनरेट करो। तो आपको ओके करना है और यहाँ पर फिर से अपना लॉगिन आईडी डालना है तो ओटीपी आएगा। और यहाँ पर जनरेट मेंबरशिप पासवर्ड और जनरेट ट्रेडिंग पासवर्ड आपको दोनों कर लेना है अभी। तो चलिए यहाँ पर मैं, और दोनों डिफरेंट होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना दोनों पासवर्ड जनरेट करता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड आपको यूनिक करना है जिसमें कैप्चा और नंबर और लेटर दोनों हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट कर लिया और अब चलते हैं लॉगिन करने। मेंबरशिप वाला जो मैंने पासवर्ड जनरेट किया है वो यहाँ पर फिलअप करता हूँ और यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट इनेबल कर लेता हूँ। तो मेरे फिंगरप्रिंट है तो मांग, और देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड मैंने अभी जनरेट किया ट्रेडिंग वाला भी, और तो यहाँ पे वो इंटर करके अपना मैं कंप्लीट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग लॉगिन कर ली। और इसका नेक्स्ट स्टेप जो ट्रेड वाला है वो आपको डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने फंड ऐड करके बताया हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे ऐप में लॉगिन करना है और पासवर्ड अपना जेनरेट करना है। और जो ट्रेड वाला मैंने बोला वो उसके नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। और यहाँ पे शेरखा पे अच्छा ऑफर चल रहा है, तो फिर से दोस्तों यदि आपका अकाउंट नहीं है शेरखा में तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट डिटेल्स मैंने बता ही दिया, प्रोसेस ही बता दिया कि क्या करना है आपको। सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है, वो रीडायरेक्ट कर देगा अकाउंट ओपनिंग साइट पर जहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। और कोई भी इशू आए तो आप मेरा वीडियो फिर से वॉच करके अपना अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट कर सकते हो। और बचा ट्रेड का, तो ट्रेड पर तो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वॉच करके अपना अकाउंट जरूर एक्टिव कर लेना। और फिर से अकाउंट विदाउट एक्टिव शेयर करिएगा तो आपको यहाँ पे इशू आ सकते हैं। अपना अकाउंट जरूर एक्टिव कर लीजिएगा, आप कहीं से भी ओपन करें अपना अकाउंट एक्टिव कर लीजिएगा। और एक्टिव के लिए एक छोटा सा ट्रेड प्लेस करना रहता है जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग बाद कर सकते हो। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आपको, आप अपना कैसे लिंक जनरेट करिएगा रेफरल लिंक, तो भी मैं बता देता हूँ आपको। शेरखा रेफरल सर्च करना है, ठीक है, और ये वाला सबसे ऊपर वाला ओपन कर लेना है, शेरखा रेफरल करके आएगा। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो देखिए यहाँ पे जेनरेट रेफरल लिंक करके आ रहा है। तो यहाँ पे जिस नंबर से आपने ओपन किया है, जिस पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया वो, और आपने जेनरेट कर लिया और शेरखा एप्लीकेशन में लॉगिन भी कर लिया है, देन आपको यहाँ पर अपना वो रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, देन गो पे क्लिक करना है। और जैसे ही गो पे क्लिक करिएगा नीचे आपका यूनिक रेफरल लिंक जेनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे जेनरेट हो गया है, जो कि आप यहाँ से जिस मोड में चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो और या जिस मोड में शेयर करना चाहो कर सकते हो। और देखिए जब आप उस लिंक को कहीं शेयर करिएगा तो कैसा इंटरफेस आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको अकाउंट ओपनिंग साइट पे, जो कि आपका रेफरल लिंक होगा यहाँ पे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यही आपका रेफरल लिंक है जो कि रिडायरेक्ट कर देगा आपको। तो ऐसे आप अपना रेफरल लिंक भी जनरेट कर सकते हो। थैंक दोस्तों फिर से वीडियो वॉच करने के लिए। ये वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने इसमें फुल डिटेल्स कवर कर दिया है। अब इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपसे एक्स्ट्रा में क्या क्या रिक्वायर्ड है अकाउंट ओपनिंग के लिए और ट्रेड के लिए। मैंने सारा चीज़ इसमें कवर कर दिया और उसका बेनिफिट भी क्या क्या है और कैसे क्या मिलेगा सारा चीज़ मैंने बता दिया। तो थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। फिर से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और शेयरखा में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन लिंक है, वहाँ से जाकर अकाउंट ओपन कर लो। ओके थैंक्स।